एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मई के महीने में संगठन के चुनाव हो सकते हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित सोनिया गांधी ने किया और कहा, कथित व्हाट्सएप चैट लीक मामले को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता किया गया है, जो दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते हैं वो बेनकाब हो गए। किसान आंदोलन को लेकर भी सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सोनिया ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार असंवेदनशील है, कांग्रेस पार्टी तीनों कृषि कानूनों को खारिज करती है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जबरदस्त हमला बोलते हुए लिखा, कहा किसानों का आंदोलन, सरकार इसमें असंवेदनशील है, संसद को जानबूझकर इन कानूनों को समझने, उनके प्रभावों की जांच करने से दूर रखा गया। हमारी स्थिति शुरू से ही बहुत स्पष्ट थी, हम उन्हें साफ तौर पर नामंजूर करते हैं। नींव को नष्ट कर देंगे ये कानून, जो MSP, सार्वजनिक खरीद और PDS के तीनों खंभों पर आधारित है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सीधे मोदी सरकार को घेरा है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, ABP News आपको रखे आगे।